बॉलीवुड टाउन में महीनों नहीं बल्कि सालों हो गया है, सालों हो गया है बॉलीवुड के सबसे बड़े मिस्टर खान, फर्स्ट खान यानी कि दिलीप साहब को हंसते हुए देखे। वो एक समय था जब दिलीप साहब अपने जमाने के ना सिर्फ सुपरस्टार कहलाते थे बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब रियल लाइफ में भी बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करने वाले दिलीप साहब, जिनके फैंस ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आज भी करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उस दिलीप साहब को कितनी तकलीफ हुई जब पाकिस्तान के पेशावर में उनके पुश्तैनी बंगले को पोल लगाने के लिए मजबूर किया गया, परिवार से संपर्क किया गया जिनके भतीजे उस बंगले की कीमत सरकार से मांगने के लिए लड़ पड़े और उस बंगले की एक झलक तक देखने के लिए सालों से तरस रहे हैं दिलीप साहब। उस दिलीप साहब को अपने ही घर में किस तरह कैद रहना पड़ रहा है, आज हम आपको हमारे खास रिपोर्ट में बताएंगे दिलीप कुमार की जिंदगी, उनके घर, परिवार, उनके टूटते हुए सपनों के कई बड़े राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड अंडरस्टो स्टोरी में एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी इस शो को लेकर आई हूं, जहां एक बार फिर से हमेशा की तरह बात करने वाले हैं हम दिलीप साहब और उनकी हम सफर जीवन में उनकी जिंदगी भर साये की तरह उनके साथ रहने वाली सायरा बानो के बारे में। सायरा ने अपने बच्चे की तरह दिलीप साहब को आज भी अपने साथ हर सुख दुख में ना सिर्फ साथ दिया उनका बल्कि अपने साथ हर कदम पर उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सायरा ने अपनी खुशी में हमेशा शामिल रखा। ये बात अलग है कि सायरा बानो को छोड़ दूसरी शादी करने वाले दिलीप साहब ने सायरा को खूब रुलाया था, खूब रोई सायरा बानो जब दिलीप साहब ने रचाई दूसरी शादी। कहा जाता है कि जब सायरा ने ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी के कारण अपनी पहली संतान को खोया था तो दिलीप साहब ने अपनी पहली पत्नी यानी कि सायरा का पक्ष तो जरूर लिया। उन्होंने कहा कि सायरा वाकई में मां बनने के सुख को हासिल करने के बावजूद इस सुख से दूर रही। बेटा था उनका जो उनकी जिंदगी में सपनों की झोली बनकर आया और वो सपने ईश्वर ने दिए और वो सपने ईश्वर ने तोड़ भी दिए। बदकिस्मती से उनका संतान उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सका। दिलीप साहब ने इस पर अपना दुख जाहिर किया कि कैसे जिंदगी भर एक संतान के लिए तरसे दिलीप साहब ने दूसरी शादी तो की लेकिन दोबारा सायरा के पास लौटना ही उनके दिल का सुकून था और इस बात का एहसास होने के बाद वो फिर कभी सायरा को छोड़ नहीं जा सके। गलतियों का एहसास और सायरा के लिए वही प्यार, जब दोबारा दिलीप साहब का सायरा बानो को मिला तो सायरा ने पूरी उम्र दिलीप साहब को अपने बच्चे की तरह उनका ख्याल रखकर प्यार दिया और जीवन में कभी कोई शिकायतें नहीं की। दिलीप साहब की कई परेशानियों से जूझ चुकी हैं सायरा बानो भी। आज हम इनके घर के ये सारे राज खोलने वाले हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सही कहा है किसी ने, जब हकीकतों की हवा चलती है तो ख्वाबों के चिराग अक्सर बुझ जाया करते हैं। जी हाँ, हकीकतों की हवा चलने से ख्वाबों के चिराग बुझ जाने तक। कैसे? दिलीप साहब ने अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ हकीकत का सामना करते हुए अपने सपनों को टूटते हुए देखा है। आज हम आपको इस बारे में हमारे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। वो एक ही तो ख्वाब देखा था दिलीप साहब ने अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो के साथ अपने घर पर एक नन्हे मेहमान को देखने की, लेकिन वो नन्हा मेहमान आया तो सायरा बानो की कोख में। 8 महीने तक सायरा और दिलीप साहब अपने बच्चे को जिंदगी में लाने का सपना देखते रहे, 8 महीने तक उसका ख्याल रखते रहे। इस दुनिया से छुपकर वो संतान उनकी जिंदगी में आकर भी उनसे दूर जाएगा, कहां किसी ने सोचा था।
8 महीने प्रेग्नेंट सायरा बानो जब अपने ही घर के बाथरूम में गिरी और उसके बाद जब उनका मिसकैरेज हुआ, डॉक्टर ने कहा कि वो अब कभी भी कंसीव नहीं कर सकती हैं, उनकी सेहत के लिए ये सही नहीं है। आज आपको बता दें कि इस दर्द से जूझना आसान नहीं था दिलीप साहब की पत्नी सायरा के लिए। अगर दिलीप साहब उनके सपोर्ट में खड़े नहीं होते, अगर दिलीप साहब ने सायरा बानो का दर्द उस वक्त समझा नहीं होता, तो आज सायरा और दिलीप इस तरह साथ ना होते। 98 साल के दिलीप साहब आज भी अपनी पत्नी के साथ अपने आलीशान घर में रह रहे हैं, जिनकी हर बीमारी में उनकी दवा दुआ सब उनकी पत्नी ही बनी हुई है। क्योंकि दवाइयों का असर, दुआओं का असर हो ना हो, पत्नी का प्यार, निस्वार्थ प्यार और श्रद्धा पति की सेवा में 1% भी कम नहीं हुई। जी हाँ, मिसकैरेज कभी भी किसी भी दुनिया का अंत नहीं है। लेजेंडरी कपल दिलीप साहब और सायरा ने ये प्रूफ किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की अब तक सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कपल के नाम से इन्हें कहा जाता है, जो कि कई उतार चढ़ाव के बावजूद एक दूसरे के साथ रहे। वॉशरूम में गिरने के बाद जिस मिसकैरेज के बाद सायरा को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था, उनकी बीमारी के कारण वो कभी भी दोबारा नहीं कर पाई प्रेगनेंसी कंसीव। कहा जाता है कि इसके बावजूद बिना संतान के, बिना संतान गोद लिए उन्होंने एक दूसरे को प्यार दिया और जी भर के प्यार किया और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को हमेशा मान सम्मान दिया। साल 1972 की बात है जब सायरा बानो प्रेग्नेंट थी। दिलीप साहब ने द सब्सटेंस एंड शैडो अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र किया था कि उनका बेटा था जो उनकी जिंदगी में आया और चला भी गया। कहा जाता है कि दिलीप साहब और सायरा बानो के संतान का जन्म भी हुआ था। सायरा बानो ने 8 महीने की प्रेगनेंसी में ही अपने बेटे को जन्म दिया था। लेकिन 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा ने जिस बेटे को जन्म दिया, उस बेटे की वीकनेस के कारण ईश्वर ने उनसे ये सुख भी छीना। बहुत ही ज्यादा बदनसीबी थी उनकी ये। प्यार दिलीप साहब को हमेशा बच्चों से रहा। दिलीप साहब ने इंटरव्यू में कहा, आई लव चिल्ड्रन बट वेयर इज द टाइम टू थिंक अबाउट इट। वी हैव अबाउट 30 चिल्ड्रन फ्रॉम सायराज फैमिली एंड माय ओन। दे आर इनफ टू कीप मी ऑक्यूपाइड विद देयर मिशिप। दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी दैट आई गेट टायर्ड ट्राइंग टू कोप विद देम। कहते हैं ये कि हम बच्चा गोद भी कैसे लेते। दिलीप साहब ने कहा था कि उनके घर पर और सायरा के घर पर 30 बच्चे हैं जो उन्हें पिता होने का एहसास कई बार दिलाते हैं, वो तंग आ जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों की कमी फिर उन्हें कभी भी पूरी करने के लिए अपने संतान के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वेल दोस्तों, ये था हमारा शो दिलीप साहब और सायरा बानो के घर परिवार को लेकर। हमने आपके बीच आज पेश किया हमारा शो दिलीप साहब सायरा बानो के संतान के जो सपने थे उनके, वो कैसे टूटे, इस पर जो कैसे दिलीप साहब ने दुख जाहिर की, इसकी हमने आपको जानकारी दी। सायरा बताती थी कि दिलीप साहब को कभी किसी ज़माने में इतना गुस्सा आता था कि वो उस गुस्से से सायरा परेशान होकर उनसे ही दूर जाती थी, लेकिन सायरा ही थी जिन्होंने हमेशा दिलीप साहब को अपनी मोहब्बत से उनकी गलतियों का एहसास दिलाया। खैर, ट्रेजेडी किंग की इस लव स्टोरी और उनकी रियल स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी के साथ, अनफुलफिल्ड ड्रीम की सच्चाई के साथ वक्त हो गया है आज यहीं पर आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं आपको ये शो हमारा जरूर पसंद आया होगा। तो दिलीप सायरा की अगर आप है चाहने वालों में से, तो उनकी फेवरेट फिल्म आपको कौन से लगती है, ये अब हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। चाहेंगे हम आपकी भी राय जानना। प्रोग्राम को लेकर रिव्यू जरूर दे। लेते हैं इजाजत, देखते रहें हिंदी सिनेमा की हर बड़ी खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।